जय श्री राम दोस्तों। 500 वर्षों के कड़ी तपस्या के बाद हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान श्री राम का मंदिर बनकर के अब तैयार हो चुका है अयोध्या में, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है 22 जनवरी 2024 को। दोस्तों ऐसे में जो मंदिर के ट्रस्ट है वो सभी को दुनिया भर में निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं कि लोग आए और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा देखें। ऐसे में दोस्तों बड़े बड़े बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक लोगों को भी दिया जा रहा है निमंत्रण। और ऐसे में दोस्तों हमारे इंडिया में कुछ लोग ही ऐसे हैं जो इसका बायकॉट करने पे लगे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके बायकॉट से कुछ नहीं होने वाला है और लोग वहां पे जाने ही वाले हैं। दोस्तों अयोध्या में इस समय हर घर होटल बन के तैयार है और सभी लोग पूरे बाहें फैला करके खड़े हैं कि जितने भी राम भक्त आएंगे हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, अपने घर में पनाह देंगे। ऐसे में दोस्तों वहां पे बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है। वहां पे दोस्तों 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। मंदिर की तरफ से निमंत्रण गया है बॉलीवुड के लोगों को भी, और उसमें कुछ लोगों के नाम भी शामिल है, जैसे महानायक अमिताभ बच्चन का है, अनुपम खेर का है, अक्षय कुमार जी का है, और दोस्तों माधुरी दीक्षित का भी नाम है, और यहाँ पे दोस्तों देखा गया टाइगर श्रॉफ का भी है और आयुष्मान खुराना का भी नाम है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आलिया भट्ट और रणबीर का भी नाम है, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं देना चाहिए था। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप समझ गए होंगे तो। तो गाइस ऐसे में भगवान राम का जो है कि मंदिर बनके तैयार हो चुका है और लोग जो है कि वेट भी कर रहे हैं। और विपक्ष के जितनी भी हो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो दोस्तों, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि बीजेपी इस पे जो है कि वोट मांग रही है लोगों से, अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्टिव कर रही है। और क्यों ना करे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी थी जो राम मंदिर के बारे में आज तक बात करती आई थी। और दोस्तों कांग्रेस वाले तो मजे ले रहे थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले दोस्तों बीजेपी बार बार कहती थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, जब भी सत्ता में आएंगे राम मंदिर बनाएंगे। कई बार बीजेपी सत्ता में आई भी लेकिन राम मंदिर नहीं बन पाया। इस वजह से दोस्तों कांग्रेस ने बहुत मजे लिए, लेकिन अब जब डेट फाइनल आ गई, बीजेपी ने डेट बता भी दिया है और राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, लोग जा रहे हैं रामलला के दर्शन भी करने, तो इसमें क्या है कि अब इन लोगों को मिर्ची लग रही है, प्रॉब्लम हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि हम ये बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, मतलब टारगेट सिर्फ कर रहे हैं मोदी सरकार को, यानी मोदी को, तो मोदी को टारगेट कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में मोदी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये मंदिर के ट्रस्टी जो है उन लोगों ने जो है कि प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण भेजा, उनको बुलाया है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों बीजेपी वालों को लेकर के लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कि ये करवा रही है, तो बीजेपी ने तो मंदिर बनवाया, जाहिर सी बात है सभी लोग जानते हैं, तो इस वजह से बीजेपी अगर करवा भी रही है तो भी क्या दिक्कत है। लेकिन हिंदुओं को इससे मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है राम मंदिर के बन जाने से, क्योंकि 500 सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब जाकर के मंदिर बन के तैयार है, भव्य मंदिर बना हुआ है। अब जो है कि दोस्तों अब लोगों को बहुत चैन के सांस भी ले रहे हैं और दोस्तों करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग जाने वाले भी हैं, क्योंकि कई जगहों से जितने सारे ट्रेनें हैं डायरेक्ट की गई है कि अयोध्या में लोग ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में पहुंच सके। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री ने सभी से अपील किया कि अपने घर में एक दीपक जलाएं, और 22 जनवरी के दिन लोग दिवाली भी मनाने वाले हैं, क्योंकि वहां पे मंदिर की बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। तो गाइस आप जा रहे हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री राम। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।